और उत्तराखंड में देखी लगातार मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह जो श्रद्धालु हैं केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए जो पहुंचे थे वो फंसे हुए हैं, और ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें श्रद्धालुओं को निकालने के लिए काम कर रही है, क्योंकि सोनप्रयाग पूरी तरह से जो ध्वस्त हो गया है पैदल मार्ग, उसको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश चल रही है। केदारनाथ धाम में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से अब वो वहां से खुद से बाहर आने में नाकाम हो रहे हैं। रस्सी के सहारे इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है अब तक करीब 5,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु फंस गए लैंडस्लाइड के बाद, सड़कें बंद होने की वजह से अब उनका रेस्क्यू जारी है। पहाड़ी के उस क्षेत्र में हम आए हैं जहां पर पैदल चलना बेहद ज्यादा मुश्किल है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से हजारों की संख्या में एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान मिलकर यहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। देखिए पीछे नीचे नदी है, कितनी खतरनाक नदी है, वेग है, आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से नदी चल रही है। और उसके बाद यहां रोपवे के सहारे एसडीआरएफ के जवान यहां से उन्हें लगातार रेस्क्यू करके उन्हें ऊपर लेके खींच रहे हैं। और ये अपने आप में सीधे रूप से अगर कहा जाए तो देवदूत के रूप में एसडीआरएफ के जवान यहां लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे देखिए लगातार किस तरह से सीटी बजाकर उन्हें रोका जा रहा है, पीछे से आने वालों को रोका जा रहा है, लगातार ऊपर पहाड़ी से चट्टान से लगातार पत्थर गिरते जा रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना मुश्किल था भोले आपके लिए यहाँ, कितनी बहुत मुश्किल, कृपा भगवान की, कितनी मदद हुई बहुत, है जवानों ने कितनी मदद की है, बहुत जवानों ने, मैं बता नहीं सकता। हाँ। बोले कितने लोग फंसे हुए हैं अभी? बहुत से 500 लोग कम से कम, कम से कम 500 लोग और फंसे हुए। देखिए जिंदगी जब बसती है तो इंसान क्या कहता है, और सीधे रूप से दिल से आभार व्यक्त कर रहा है एसडीआरएफ टीम का। और लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को खींचकर ऊपर लगातार लिफ्ट किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐसा दृश्य है जिसे देखकर कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ना होती तो ये टास्क करना बेहद ज्यादा मुश्किल था। देखिए रोपवे के सारे हम लोग ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। किस तरह का रास्ता है थोड़ा सा हम आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। अगर आपका पैर फिसलता है तो निश्चित रूप से आप सीधा नदी में जाते हैं। ये इस तरह का रेस्क्यू जो है अपने आप में बेहद मुश्किल रेस्क्यू है, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल रेस्क्यू है ये। और अभी तक 4,000 के आसपास लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है टीम, और लगातार ये टीम रेस्क्यू कर रही है। और पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों को अभी इतने ऊपर जाना है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं आपको वो तस्वीरें पहुंचाना किसी तरह से। ये देखिए कितना मुश्किल भरा है ये। और ऐसे में जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लगातार रोपवे के सहारे किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सुखद आभास भी देता है कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद इतने लोगों को रेस्क्यू करना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता।